कांग्रेस के चिंतन शिविर के खुले सत्र के दौरान विधायकों ने कई मंत्रियों के कामकाज की शैली पर सवाल उठाए। खराब सड़कों के मुद्दे पर पीडब्ल्यूडी मंत्री को निशाने पर लिया। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने खराब सड़कों, फील्ड में योजनाओं के खराब हालात और मंत्रियों की वर्किंग स्टाइल पर खुलकर सवाल उठाए। नगर विधायक वाजिब अली ने पैरा टीचर्स को राहत नहीं देने पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को घेरा। वाजिब अली ने बैठक में कहा कि क्षेत्र की सड़कें बहुत खराब है, हम किस मुंह से क्षेत्र में जाएं और गांव वालों को क्या जवाब दें। विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने कहा भरतपुर क्षेत्र में ठेकेदार घटिया सड़कें बनाकर पेमेंट उठा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ऐसे अफसरों और ठेकेदारों को बचा रहे हैं। सड़कें बनते ही 6 महीने में टूट रही हैं। एक ठेकेदार को मेरे मना करने के बावजूद पेमेंट करवा दिया। उन्होंने जल जीवन मिशन के कामों में भी गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। फतेहपुर से कांग्रेस विधायक हाकम अली ने बिजली की बढ़ी हुई दरें कम करने का सुझाव दिया। हाकम अली ने कहा कि घरेलू बिजली के बिल बहुत बढ़कर आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। विधायक संदीप यादव ने कहा हम बीजेपी राज के दौरान बने ग्रामीण गौरव पथ का तोड़ नहीं निकाल पाए। गौरव पथ के बाद गाँव में कोई बड़ा काम हम नहीं कर पाए जो याद रहे। गांव में 1 किलोमीटर सड़क मनरेगा में मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ताकि गांव में हमारा भी कोई काम दिखे। गौरवपत की लोग आज भी तारीफ करते हैं। किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने अल्पसंख्यकों से जुड़े बोर्ड आयोगों में 3 साल में भी नियुक्तियां नहीं होने पर सवाल उठाए। कई विधायकों ने कांग्रेस संगठन में जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन पदाधिकारी नहीं बनने पर सवाल उठाए। विधायकों ने कहा कि बीजेपी मंडल और बूथ स्तर तक जा रही है, हमारे यहाँ अभी जिलाध्यक्ष भी पूरे नहीं बने, बिना संगठन कैसे काम चलेगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।